दो कलर यहाँ पर मैंने लिए हैं इन्हें अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं इस तरह से उल्टा हमें इनको रखना है यहाँ पर ग्लू लगाकर और एक मजेंटा और एक ब्लू कलर हम यहाँ पर रख रहे हैं इसी तरह से जो है पूरे पेज के ऊपर हमें इसे टी लाइट होल्डर के चारों तरफ घुमाना है तो इस तरह से देखिए ये हमने इसे कवर कर लिया है अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप इसे बना सकते हैं ये चिपका लिए हमने अच्छे से और उसके बाद ये पर्स है एट एम एम के वाइट कलर के तो ग्लू डालकर मैं भी ऐसे ही डाल रही हूँ ग्लू डालकर और इनके अंदर आप इन्हें डाल दीजिए तो इसके साथ चिपक जाएंगे और इन्हें जो है देखिए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर फिलिग्री के ऊपर आप चाहे तो इसे सीधा रख सकते हैं टी लाइट होल्डर को नहीं तो चिपका भी सकते हैं और जैसा मैंने कहा क्योंकि दोनों मेटल है फिलिग्री जो है वो मेटल है और टी लाइट होल्डर जो है हमारा मेटल है तो आप इसमें वैक्स दिया भी रख सकते हैं नीचे से गर्म होगा तो भी ये ख़राब नहीं होगा और कैसा लगा आपको पैटर्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय